दिस इज रेशमा, नमस्ते एंड वेलकम टू सिर्फ और सिर्फ आपके चैनल में, जहां पर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की इन अवर डे टू डे लाइफ। वी हैव स्टार्टेड विद किचन ऑर्गेनाइजेशन सीरीज, जहां पर हम बात कर रहे हैं काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन की। ये दो बड़े कंपार्टमेंट है, ये एक बीच में एक मिडल वन कंपार्टमेंट, और इसको अटैच है एक दो छोटे से कंपार्टमेंट्स। तो इसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं इस तरह से, लाइक दिस, एंड यू कैन रिमूव दिस आल्सो। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजर। नाउ लेट्स ऑर्गेनाइज दिस आइटम्स इन दिस ऑर्गेनाइजर। और ये दो नाइफ्स को मैं ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ यहाँ पे, राइट। ग्रेटर को मैं ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ यहाँ पे, और पिलर को मैं यहाँ पे रख देती हूँ, और बीटर को मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। तो इस तरह से बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही सिस्टमेटिकली वी कैन ऑर्गेनाइज दिस आइटम्स इन दिस ऑर्गेनाइजर। और ये इसका जो लीड जो है, इसका एक बहुत ही हेल्प है, यानी ये जो लीड जो है ये प्रोटेक्ट करता है इन सारे आइटम्स को फ्रॉम कॉकरोचेस एंड लिजर्ड्स। अब मेरे पास ना ये बड़ी सी नाइफ है जो मैं यूज करती हूँ फिश या चिकन को कट करने के लिए, लेकिन मुझे इसके लिए एक कोई ऑर्गेनाइजर नहीं मिल रहा था, या फिर ये किसी ऑर्गेनाइजर में फिट नहीं हो रहा था। क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे रखूँ, कैसे ऑर्गेनाइज करूँ। तो मैंने मेरे ठंडे दिमाग से सोचा, और मुझे अचानक से एक आइडिया मेरे दिमाग में आ गई। तो मैंने क्या किया, मैंने इस ऑर्गेनाइजर को ही यूज किया इस नाइफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब आप सोचेंगे कैसे, बड़ा आसान है। तो मैंने क्या किया, इस ऑर्गेनाइजर को ही टू पार्ट में डिवाइड कर लिया, देखिए इस तरह से। तो मैंने ये वाला पार्ट जो है उसको निकाला, ठीक है, उसको साइड में रख लिया इस तरह से। और ये मुझे एक छोटा सा, एक प्यारा सा बास्केट टाइप ऑर्गेनाइजर मिल गया इस नाइफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और देखिए इतने अच्छी तरह से नाइफ होती है इस ऑर्गेनाइजर में, और मैं लाइटर भी ऑर्गेनाइजर में रखती हूँ, है ना। कितने अच्छे से नाइफ और ये लाइटर इस बास्केट में फिट हो रही है, तो ये कमाल की आइडिया है ना। तो एक ऑर्गेनाइजर के दो दो फायदे। तो इस तरह से आप भी कुछ नई नई चीजें ट्राई कर सकते हैं अपना दिमाग लगा के। और इस तरह के ऑर्गेनाइजर चीजें यूज करने से क्या होता है, आप अननेसेसरीली अपना मनी वेस्ट नहीं करते हैं इन बाइंग न्यू एंड एक्सपेंसिव ऑर्गेनाइजर्स। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, यू कैन गो फॉर सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजर्स।
ये एक प्यारा सा ब्यूटीफुल सा मग, देखिए कितना स्माइली वाला है ये मग। तो इस टाइप का ये मग है, बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा मग है। तो ये मग मैं यूज करती हूँ इन सीजर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और ये बहुत अच्छे से इस मग में फिट हो जाते हैं दोनों सीजर्स, और कितने प्यारे लगते हैं देखिए। अब नेक्स्ट जो आइटम है वो है किचन पेपर टॉवल, जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होता है हमारे काउंटर टॉप पे और बहुत जरूरी है, और इसमें डेफिनेटली हैंडी होना चाहिए काउंटर टॉप पे। तो इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये किचन पेपर टॉवल होल्डर। दिस यू हैव टू पेस्ट अंडर द कैबिनेट शेल्फ एंड दिस टेक्स लॉट ऑफ स्पेस। तो एक बहुत ही अच्छा आइडिया है अगर आपको अपनी काउंटर टॉप स्पेस बचानी है, और अगर आपका काउंटर टॉप स्पेस थोड़ा कम है और आप थोड़ा वर्टिकल स्पेस यूज करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है। तो इस तरह से आप इसको फिट कर सकते हैं कैबिनेट में, और यहाँ पे पेपर टॉवल को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है अपने किचन पेपर टॉवल को अंडर शेल्फ। Now, इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए काउंटर टॉप पे मुझे एक स्टैंड चाहिए था, क्योंकि मुझे पानी निकालना है यहाँ से, है ना। तो इसके लिए मुझे एक स्टैंड चाहिए था। तो मैं सोच रही थी कि मैं स्टैंड कहाँ से ले लूँ, और वो स्टैंड लिया तो भी इसको परफेक्टली फिट होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मेरे पास एक ये बाउल था जो मैंने परचेज किया था, तो एक फुल सेट है, ये एक बाउल है और है। इस स्टैंड पे ये बाउल इस पे फिट होता है। तो ये मेरे शेल्फ में ऐसे ही पड़ा रहा था विदाउट यूजिंग इट, तो मैं इसको ज़्यादा यूज नहीं कर रही हूँ। तो मैंने क्या सोचा, क्यों ना इस स्टैंड को यहाँ पे यूज किया जाए इस वाटर कंटेनर के लिए, एज अ स्टैंड फॉर वाटर कंटेनर। तो मैंने ट्राई किया, मैंने इसको यहाँ पे रखा और ये इतनी आसानी से परफेक्टली इसके ऊपर फिट हो गया। तो मैं इतनी खुश हो गई, वाटर कंटेनर के लिए ये स्टैंड मिल गया। तो मैं क्या करती हूँ, इस कंटेनर को इसके ऊपर स्टडी रहने के लिए इसके ऊपर मैं इस तरह से मैं ये राउंड प्लेट रखती हूँ। नाउ इसके ऊपर ये कंटेनर बहुत आसानी से फिट हो जाता है और बहुत ही स्टडी रहता है। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है इस वाटर कंटेनर को ऑर्गेनाइज करने के लिए ऑन दी काउंटर टॉप। अगर आपके पास भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप यूज नहीं कर रहे हैं और ऐसी पड़ी रहती है अपने कबर्ड में या अपने शेल्फ में, तो अपना दिमाग लगा के आप इन चीज़ों को ही एज अ ऑर्गेनाइजर यूज कर लीजिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है और टू ऑर्गेनाइज दे सच टाइप ऑफ कंटेनर ऑन दी काउंटर टॉप। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज सिंक एरिया रिलेटेड आइटम। तो चलिए देखते हैं सिंक एरिया रिलेटेड आइटम्स पे लिस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये डिश वॉश लिक्विड, दिस इज हैंड वॉश लिक्विड, सोप, टू वॉश के यूटेंसिल्स, और ये दो ब्रशेस, और ये एक छोटा वाला ब्रश, और ये दो स्क्रबर्स, और ये स्कॉच ब्राइट का वाइप क्लीन करने के लिए एरिया। तो चलिए इन सारी चीज़ों को एक बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर और बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा ऑर्गेनाइजर इनको अलॉट करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वो ऑर्गेनाइजर। तो इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम ये प्यारा सा ब्यूटीफुल सा ऑर्गेनाइजर यूज करेंगे। इस ऑर्गेनाइजर के दो पार्ट्स हैं, दो कंपार्टमेंट्स हैं। ये जो पार्ट दिख रहा है दिस इज फॉर डिश वॉश लिक्विड, यहाँ पर हम डिश वॉश की बॉटल फिट कर सकते हैं। और ये जो कंपार्टमेंट आपको दिख रहा है यहाँ पर हम हमारे ब्रशेस और स्क्रबर रख सकते हैं। और इसके साथ साथ ही एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा ब्रश आया है यहाँ पे, बहुत ही सिंक क्लीन करने के लिए, स्क्रब करने के लिए। तो ये बहुत दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत सा है और अच्छा भी लगता है यहाँ पे। तो ये इसको ही अटैच आया हुआ है यहाँ पे। नाउ वी विल ऑर्गेनाइज दी आइटम्स इन दिस ऑर्गेनाइजर। तो पहले हम इस डिश वॉश लिक्विड बॉटल को इसमें फिट करते हैं। तो हमें क्या करना है, विल जस्ट रिमूव दिस एंड
बॉटम का जो बेस है हम ऐसे यहाँ से रिमूव करेंगे और इसको इसके ऊपर यहाँ पे फिट कर लेंगे और इसको इसके नीचे रख लेंगे। और ये जो है यहाँ पर हम इसका नॉजल फिट करेंगे इस तरह। तो ये डिश वॉश की बॉटल यहाँ पे फिट हो गई। नाउ वी विल ऑर्गेनाइज द ब्रशेस ओवर हियर। ये ब्रश हमने रख लिया यहाँ पे, ये ब्रश हमने रख लिया यहाँ पे और ये छोटा वाला ब्रश जो है वो हमने रख लिया यहाँ पे और स्क्रबर जो है हम रख लेंगे इस एरिया। तो है ना बहुत ही कमाल की चीज़। तो कितने सारे आइटम्स इसमें फिट हो गए, डिश वॉश लिक्विड की बॉटल, ये दो ब्रशेस, स्क्रबर और इसके साथ ही आया हुआ ये प्यारा सा ब्यूटीफुल सा ब्रश, ये छोटा वाला ब्रश। तो एक बहुत ही हेल्पफुल ऑर्गेनाइजर है सिंक एरिया के लिए क्योंकि इसमें बहुत सारे आइटम्स फिट होते हैं एक साथ। तो आपको इस टाइप के ऑर्गेनाइजर के लिए ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। यूटेंसिल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं ये ऑर्गेनाइजर यूज़ कर रही हूँ, सोप के। बहुत ही प्यारा सा है ये ऑर्गेनाइजर। तो जब हम ये सोप यहाँ पर रखते हैं, गीला सोप यहाँ पर रखते हैं और जो भी पानी यहाँ पे होता है वो नीचे यहाँ से गिर जाता है और सोप यहाँ पे इट विल गेट ड्राई ऑन दिस प्लेट। एंड ये जो एरिया है यहाँ पर आप अपना स्क्रबर रख सकते हैं। सो दिस इज ए वंडरफुल ऑर्गेनाइजर टू कीप द सोप एंड द स्क्रबर। तो इस स्टेप में हमने जिन जिन आइटम्स को कंटेनर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स की ज़रूरत थी उनको हमने कंटेनर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स अलॉट कर दिए हैं। आपने भी ज़रूर कुछ सीखा होगा इस एपिसोड से। आप भी ये टिप्स अपने किचन में अप्लाई कर सकते हैं काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब आपको चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी होती है अपनी काउंटर टॉप पे। एंड आई होप दिस एपिसोड मस्ट हैव डेफिनेटली हेल्प यू ऑल। And if you find this information valuable for you, then definitely give big thumbs up to this video. And don't forget to like, share and subscribe to this channel. So till then, bye bye, take care and see you in my next video. Stay organized, stay energized.